रावलपिंडी स्टेडियम से लेटेस्ट रेनोवेशन अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि तमाम तर इंक्लोयर्स जहां रेनोवेशन का काम हो रहा है वहां के एक्सक्लूसिव फोटेजेस हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये रावलपिंडी स्टेडियम का जावेद अख्तर इंक्लोयर है जिसकी छत को मुकम्मल तौर पर गिरा दिया गया है। मजदूर अब भी जो है शाम के लगभग आप देख सकते हैं कि 5 बज चुके हैं और मजदूर अभी भी यहाँ पर लगे हुए हैं इस छत के हिस्से को साफ करने में। आप देख रहे हैं कि इस हिस्से को मुकम्मल तौर पर गिराया जा चुका है जबकि यहाँ पर एक ग्रीन जाली जो है वो लगाई गई है आप देख रहे हैं, जबकि इसके अलावा ये नीचे कुर्सियाँ जो हैं इनको कुछ भी नहीं छेड़ा गया। ऊपरले हिस्से की जो कुर्सियाँ थी उनको मुकम्मल तौर पर हटा दिया गया था, उतार दिया गया था, जबकि उखाड़ दिया गया था ये बेहतर लफ्ज़ जो है कहना चाहिए। जबकि उसके अलावा आप देख रहे हैं कि जो बाकी यहाँ पे जो बिल्डिंग के आसार थे उनको भी ख़त्म किया गया। ये इसके साथ सुहेल तनवीर इंक्लोयर है जनाब, जहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है। अब चूंकि बांग्लादेश सीरीज़ है तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर टेम्परेरी चेयर्स लगेंगी, लेकिन उसके बाद इन चेयर्स को भी रिमूव कर दिया जाएगा। जबकि ये है वो LED स्कोर बोर्ड या इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड जिसको रेनोवेशन के काम के तहत चेंज किया जाएगा। आगे चलते हैं तो जनाब ये शोएब अख्तर इंक्लोयर है, जिस शोएब अख्तर इंक्लोयर के नाम से मंसूब है रावलपिंडी एक्सप्रेस के, यहाँ पर भी अभी बांग्लादेश सीरीज़ के लिए मोस्ट प्रोबेबली आरजी चेयर्स लगाई जाएंगी, लेकिन इस सीरीज़ के बाद यहाँ पर भी जो है वो रेनोवेशन का काम करके परमानेंट सिटिंग अरेंजमेंट रखी जाएगी। उसके बाद आगे आ जाएं जनाब इमरान खान इंक्लोयर, मोस्ट प्रोबेबली ये ऐसा ही रहेगा। जबकि ये है रावलपिंडी स्टेडियम की मेन बिल्डिंग, इस मेन बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर आप देख रहे हैं कि अभी टेम्परेरी कुर्सियाँ जो हैं वो लगने का काम शुरू हुआ है, लेकिन जो रेनोवेशन प्लान है उसके मुताबिक यहाँ पर परमानेंट चेयर्स लगाई जाएंगी। अभी तो PSL में और पाकिस्तान की जो बायलेटरल सीरीज़ है उसके दौरान यहाँ पर टेम्परेरी चेयर्स लगाई जाती हैं, तो ये जहाँ पर परमानेंट चेयर्स लगाई जाएंगी। उसके बाद आगे ये जावेद मियादाद इंक्लोयर है, जबकि ये है वो यासिर अराफात इंक्लोयर, यहाँ पर सामने एक कैमरामैन पोस्ट भी आपको दिखाई दी जा रही है, तो यहाँ पर भी परमानेंट चेयर्स लगाई जाएंगे। कुछ आगे चलते हैं, ये रावलपिंडी स्टेडियम के आज के लेटेस्ट मनाजिर हैं। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान टीम जो है अब से कुछ देर पहले यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही थी, अभी प्रैक्टिस सेशन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मुकम्मल हुआ है रावलपिंडी स्टेडियम में। ये खूबसूरत मनाजिर हैं रावलपिंडी स्टेडियम के, ये फ्लड लाइट टावर्स मोस्ट प्रोबेबली इनको भी चेंज किया जाएगा फॉर द चैम्पियंस ट्रॉफी 2025। तो रेनोवेशन का काम रावलपिंडी स्टेडियम में बड़ी तेज़ी से जारी और सारी है। और अब आपको दूसरा इंक्लोयर दिखाते हैं जनाब, जावेद अख्तर इंक्लोयर के बाद अब अजहर महमूद इंक्लोयर। और सबसे पहले तो आपको ये देखेंगे, ये जो स्कोर बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको, इस स्कोर बोर्ड को भी चेंज किया जाएगा। ये पुराना स्कोर बोर्ड जिसमें फ़खर जमान अभी तक बैटिंग कर रहे हैं, इस स्कोर बोर्ड को भी चेंज किया जाएगा। और ये है जनाब अजहर महमूद इंक्लोयर, और अजहर महमूद इंक्लोयर के मनाजिर ये आपके सामने आप देख रहे हैं। काम चल रहा है, मेरा ख्याल है मेरी आवाज़ आपको आ रही है या नहीं आ रही। यहाँ की छत जो है वो भी मुकम्मल तौर पर रिमूव कर दी गई है, अजहर महमूद इंक्लोयर की छत भी जो है वो मुकम्मल तौर पे रिमूव कर दी गई है। बड़ी तादाद में लेबर जो है वो काम कर रही है। वंस अगेन इट इज़ 5 PM, शाम के 5 बज रहे हैं, लेकिन काम जो है वो फिर भी जारी और सारी है रावलपिंडी स्टेडियम में। रेनोवेशन की लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर कर रहे हैं, मैं इस वक्त रावलपिंडी स्टेडियम में ही मौजूद हूँ। ये आप चेक करें कि जिस तरह ग्रीन जाली लगाई गई है, और उसके साथ साथ आप देखें कि मजदूरों की काफ़ी अच्छी खासी तादाद है जो इस वक्त काम कर रही है। छत को मुकम्मल तौर पे रिमूव किया गया है रावलपिंडी स्टेडियम के, ये अजहर महमूद इंक्लोयर की छत है, इसको रिमूव किया गया है। और छत को रिमूव करने के बाद यहाँ पर एक एलिवेटेड 2-tier डबल-tier पर मुश्तमिल स्टैंड बनाया जाएगा, जिसके सिलसिले में काम जो है वो जारी और सारी है। और मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ये जो स्कोर बोर्ड है इसको भी यहाँ से हटाया जाएगा, तो आप देख लें कि इसके साथ भी जो काम है वो शुरू हो चुका है स्कोर बोर्ड को हटाने का भी। ये अजहर महमूद इंक्लोयर के लेटेस्ट मनाजिर आपके साथ शेयर कर रहे हैं रावलपिंडी स्टेडियम। यहाँ पर भी आप देखें कि ग्रीन जाली तो लगाई गई है, लेकिन ग्रीन जाली के नीचे कुर्सियाँ अभी तक मौजूद हैं। इसके ऊपर आप देखेंगे सरिया आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा मैं अगर आगे जाके आपको दिखाऊँ तो सरिया भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और बोर्ड हैं इन्हें भी उतारा गया है। जनाब ये है रावलपिंडी स्टेडियम का हाल अहवाल। बाकी स्टेडियम बहुत ज़बरदस्त है जी, नो डाउट रावलपिंडी बीइंग वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेट वेन्यूज इन पाकिस्तान व्हेन इट कम्स टू व्यूज, व्हेन इट कम्स टू द क्राउड, बहुत ज़बरदस्त क्राउड आता है रावलपिंडी में मैचेस देखने के लिए और क्रिकेट
इंजॉय करने के लिए। जी तो मैं इस वक्त आ गया हूँ जनाब अजहर महमूद इनक्लोयर के अंदर। आप देख रहे हैं कि किस तरह सरिया जो है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये अजहर महमूद इनक्लोयर और ये जो ग्रीन जाली लगाई गई है ये इसके एक्सक्लूसिव मनाजिर आपके सामने हैं। तमाम तर जो बिल्डिंग का यहाँ पर आसार थे उनको ख़त्म किया गया है। ये जालियाँ, इसके अलावा जो तमाम तर सरिया है वो गिरा हुआ है नीचे। अजहर महमूद इनक्लोयर का जो बैनर है वो भी नीचे पड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन अच्छी बात ये है कि दिन और रात एक करके मज़दूर यहाँ पे लेबर जो हैं वो काम कर रही है। और कुछ कुछ चीज़ें जो बकाया यहाँ पर रह गई थी, जिस तरह आपके सामने ये आखिरी दो पिलर्स थे इनको गिराने का काम भी अभी चल रहा था। तो यही प्लान है इस ग्रीन जाली लगाने का। मकसद जो है वो अक्सर लोग पूछ रहे थे, वो बेसिकली यही प्लान है ग्रीन जाली लगाने का कि मैच के दौरान जो है वो कुछ डिस्टर्बेंस ना आए, पीछे काम जो है वो चलता रहे और मैच जो है वो डिस्टर्ब ना हो काम की वजह से, ना ही काम जो है वो मैच की वजह से डिस्टर्ब हो। दूसरा, रावलपिंडी में तो क्राउड आएगा, जिस तरह हमने देखा कि कराची से मुतलक कि कराची में क्राउड नहीं आएगा, रावलपिंडी में ज़रूर क्राउड आएगा। ये अब हम आ जाते हैं जी जावेद अख्तर इनक्लोयर है, ये भी इसके एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं। आप देखें कि यहाँ पर भी बिल्कुल छत जो है वो उठा दी गई है, जहाँ से जो मलबा है उसको उठाने का काम अब मुकम्मल कर लिया गया है। अब कुछ बाहर के फोटेजेस आपके साथ शेयर करते हैं जनाब। ये दोनों इनक्लोयर्स के बाहर की साइड है, ये जावेद अख्तर इनक्लोयर है। आप चेक करें कि बिल्कुल जो है वो मलबा उठा दिया गया है, मलिया मेट कर दिया गया है यहाँ की छत को। रावलपिंडी स्टेडियम की उम्मीद करते हैं कि ये लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव अपडेट जो है वो आपको पसंद आई होगी, जहां हमने आपके साथ शेयर किया कि 3D मॉडल के मुताबिक रावलपिंडी स्टेडियम के स्टैंड्स को एलिवेट करने के लिए काम तेज़ी से जारी है। मजदूर जो है वो दिन रात एक करके काम कर रहे हैं। ग्रीन जाली के पीछे जो है वो रावलपिंडी स्टेडियम में काम जारी है। सर, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 21 अगस्त से रावलपिंडी स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच शुरू होगा। टीम्स की प्रैक्टिस का सिलसिला जो है वो भी रावलपिंडी स्टेडियम में जारी और सारी है, साथ साथ रेनोवेशन का काम भी जारी है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब।